वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादरी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी नींद ली होगी। इन दिनों में लंदन में बच्चों की छुट्टियां हैं और जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए थोड़ा सा टाइम उनको मिल जाता है कि वो और ज्यादा थोड़ी सी रेस्ट कर लें। अदरवाइज मुझे मालूम है कि सुबह सवेरे उठना, बच्चों को तैयार करना, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करना, उनको स्कूल छोड़ना, ये इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे माध्यम के लिए कि हम आपके पास होते हैं, आपके ड्राइंग रूम का हिस्सा होते हैं, आपके किचन का हिस्सा होते हैं और ये जो ब्रेकफास्ट है ये हम मिलकर करते हैं। जिंदगी की रोटी, डेली ब्रेड जो है, ये रोजाना की जो रोटी है हम मिलकर खाते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं इस फ्रेश माना के लिए, ये ताजा मन के लिए जो खुदावन मुहैया करता है। और खुदावन ना सिर्फ हमारा मेहमान है बल्कि हमारा मेजबान भी है और वो ये दस्तरखान बिछाता है और हम सब मिलकर उस पर उसके साथ शामिल होते हैं। वो हमें सैर और आसूदा करता है क्योंकि वो यहोवा यरी है जो सब कुछ मुहैया करता है। तो जीजो, खुदावन का शुक्र अदा करते हुए हम आज के इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और मैं उन बहन भाइयों के लिए खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ जो कि इस इंतजार में होते हैं कि कब प्रोग्राम शुरू होगा और वो इसका हिस्सा बनेंगे। और कुछ बहन भाई जो है मुझे इससे ज्यादा एक्टिव होते हैं और इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बेचैन होते हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। सो वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावन के सुंदर पाक कलाम को पढ़ते हुए। जबूर 138 बहुत खूबसूरत जबूर है, मरकूम है साम 138। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदावन, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है, बल्कि खुदावन की राहों का गीत गाएंगे क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताजा दम करेगा, तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावन, तेरी शफकत अबदी है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। चंद अल्फाज लेकिन बहुत ही पावरफुल वर्ड, वेरी पावरफुल दीज फ्यू वर्ड्स। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। देखिए, बहुत दफा हम पाक कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते, है ना। और ये जो सिक्स वर्ड्स हैं, दीज पावरफुल वर्ड्स, ये हमें क्या सिखाते हैं? रिलायबिलिटी, खुदा उन पर भरोसा, तोकल करना, ट्रस्ट। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से बात करने लगा हूं।
शायद आप ये बात पसंद आए। आज सुबह ही मैं देख रहा था कि जो हमारे डॉग हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो अरलाय करते हैं मेरी वाइफ पे, क्योंकि उनको रोजाना लुइजा खाना डालती है, मेरे साथ बैठ के वो नाश्ता भी करते हैं, लेकिन ज्यादा वो जो है वो वाइफ पे अरलाय करते हैं, लुइजा पे अरलाय करते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि कब वो आएगी और उन्हें सुबह सवेरे वो खाना देगी। मैं सोचता हूं कि जानवर जो हैं उनको पता है किसने उनको खाना देना है, किसने उनको बाहर लेके जाना है। जब उन्हें वॉक ले जाना होता है तो वो मुझे या मेरे बेटे को जो है वो तंग करते हैं कि जी चले अब टाइम हो गया, मैं लेके चले। तो यशाया ये कहता है कि बैल जो है वो अपने मालिक को पहचानता है, गधा जो है वो अपनी चरनी को पहचानता है, जानता है कि उसकी चरनी किधर है, बैल जो है वो जानता है। आप देखेंगे जब गांव में आप देखेंगे जब जो जानवर होते हैं उनको लेकर आते हैं घर में, तो वो बाहर फिर के आते हैं और फिर सीधा अपनी चरनी पर जाते हैं, खुरली जिसे कहा जाता है, तो उसको पहचानते हैं। इंसान जो है वो किस कदर मैं समझता हूं कि इग्नोरेंट है, इंसान नहीं पहचानता। और दाऊद जब ये बात कहते हैं कि मेरा खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा खुदावन सब कुछ करेगा, आज सुबह मैं आपके पास आपके दस्तरखान पर ये चंद अल्फाज छोड़े दे रहा हूं, इनको आज आप अपने सामने रखिएगा। I don't know about your issue, I don't know about your problem. Problem तो सबको ही है, कोई ना कोई problem तो है ही, because we are in a troublesome world. कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई समस्या हम सब की है। खुदावन का पाक कलाम यूहन्ना का एंजिली बयान उसका 15 बाब बड़ा खूबसूरत है, मैं अंगूर का की दरख्त तो मेरी डालियां हूं। खुदावन कहते हैं कि जो डाली मुझ में पैवस्त रहती है वही बहुत सा फल लाती है, और मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक खुदावन पर भरोसा नहीं किया, आपने अपनी कोशिश से कुछ करने की कोशिश की है, आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे आप यकीनन बरकत पाएंगे। इट्स ऑल अपॉन डिपेंडेंसी, खुदावन पर भरोसा करना, खुदावन पर तवक्कल करना, खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। आज अगर आप ट्रेवल करते हैं, अगर आप घर पे काम कर रहे हैं, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, कीप दीज वर्ड्स इन योर हार्ट एंड इन योर माइंड। मे बी यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर डिसअपॉइंटेड एंड यू आर थिंकिंग टू होम यू नीड टू कॉन्टेक्ट। शायद आपका कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो और आप सोच रहे हो मैंने किससे बात करनी है, किसको कहना है, क्यों ना खुदावन से बात करें, खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। आइए दुआ मांगे। खुदावन तू जो नामुमकिनात का खुदा है, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादरे मुतलिक है। हम तेरे कीमती वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फरमाया कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम तेरे इन अजीम वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सचमुच है खुदावन, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तू हमारे लिए सब कुछ करेगा खुदावन। तूने वो बड़ा काम हमारे लिए कर दिया जो कोई नबी, कोई शख्स, कोई बादशाह ना कर सका। तूने हमारे लिए निजात का काम कर दिया, हमें गुनाहों की दलदल में से निकाला और अपने खानदान में शामिल कर लिया, और अब हम तुझे बड़ी दिलेरी के साथ अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकार सकते हैं। और तू एक बाप होते हुए अपने बच्चों की सारी मुश्किलात को जानता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे इख्तियार के लिए,
तेरी कुदरत के लिए। खुदा हम अपने सारे मसाइल को, मुश्किलात को, परेशानियों को, कमजोरियों को तेरे सामने लाते हैं। प्यारे खुदा मदद करना, रहम करना, और आज के सारे प्रोग्राम में तुम्हारी मदद और रहनुमाई फरमाना, अपने पाखरू से मामूर करना, तमाम इक्विपमेंट को, तमाम लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरे शुक्र करते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जहां जहां भी तेरे लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, खुदा उनको सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। आइए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और खुदा उनकी तारीफ करते हैं। हम अपनी खूबसूरत क्वायर की जानिब बढ़ते हैं, हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर की तरफ। शुक्रिया thank you.
जोर मेरा है, मेरा प्यार है उदे नाल। बहुत खूबसूरत ये डिक्लेरेशन, हमारे ईमान का इजहार। जीजो मजा आया कि नहीं? सुबह सवेरे शायद आपको उस पराठे का, उस आमलेट का इतना मजा ना आ रहा हो जो आप खा रहे हैं, जितना इस हमदोसनान का मजा जो आता है। खुदा का शुक्र हो। मैं तो ये चाह रहा था कि इस हमदोसनान को जारी रखा जाए, लेकिन वक्त की कमी के बायस ये मुमकिन नहीं है। तो ढोल की थाप पर बहुत ही मजा आ रहा था। तबला, ढोल, हारमोनियम, ये जो हमारे खूबसूरत म्यूजिशियन हैं, इनके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआगो हैं कि खुदा इस क्वायर को, इस चर्च को और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। शायद जो नए आने वाले हैं वो सोच रहे हैं जी कहाँ आए, जी कहाँ इनसे मिले। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल।
आइए हमें ज्वाइन कीजिए एवरी संडे सुबह 10:30 बजे हम इंग्लिश में बात करते हैं और दोपहर 2 बजे उर्दू हिंदी में। और ये चर्च है जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, ये प्रेस्बिटेरियन चर्च है प्रोटेस्टेंट। तो जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च क्या है, इट्स ए यूनियन ऑफ डिफरेंट चर्चेस, कॉन्ग्रीगेशनलिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, चर्च ऑफ क्राइस्ट। तो उनकी ये एक उनका जो इत्तेहाद हुआ तो उसका नाम यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च है। तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए, हमारा एड्रेस है 309 विकरेज फॉर्म रोड, हेस्टन हंसलो, TW50DR। ये हमारे चर्च का एड्रेस है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम अपनी जुबान में, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में हम वर्शिप कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू जॉइन अस एवरी संडे हाफ पास 10, वी आर वर्शिपिंग इन इंग्लिश एंड एट 2 o'clock इन उर्दू एंड हिंदी। सो यू आर वेलकम। इसी तरह सैटरडे को 2 बजे लुटन में फेयर हिल मैथोडिस्ट चर्च है, वहां पर हम इबादत करते हैं। अगर आप लुटन के एरिया में हैं, लंदन में हैं, अगर आप बेडफोर्ड में हैं, मिल्टन कीन्स में हैं, तो आइए हमें ज्वाइन कीजिएगा। कल 2 बजे ये इबादत होगी। और हेस्टन में क्योंकि हम जो फर्स्ट संडे होता है तो पर हम पाकशा जो है उसकी इबादत कंडक्ट करते हैं, तो होली कम्युनियन की सर्विस होगी। आइए जरूर पाकशा लीजिए, में ज्वाइन कीजिए। और आप जानते हैं कि हर रोज यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक ये ब्रेकफास्ट शो होता है। मैं कल बहुत खुश हुआ, मैं वॉक के लिए जा रहा था और हमारे नेबर हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, तो वो गाड़ी पार्क कर रहे थे तो उन्होंने मुझे रोका और मुझसे मिले। उन्होंने अपना नाम बताया साथ बट, तो इज फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम लाहौर। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और कहने लगे जी मैं आपका प्रोग्राम जो है उसको देखता हूँ, आई लव टू कम टू चर्च। तो बट सब थैंक यू वेरी मच आपका, आप प्यार करते हैं। तो देखिए मुझे, मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। पिछले दिनों मैं और लीजा हम एक रेस्टोरेंट में थे, तो वहाँ पर जो लेडीज थी वो नेक्स्ट टेबल बैठी हुई थी, तो बहुत ही हेल्पफुल थी, बहुत प्यार कर रहे थे। कभी हमें कहते जी आप ये लें, कभी तो ऑफर कर रही थी मैं फूड। तो थोड़ी देर बाद जब वो जाने लगी तो हमें मिली, और उसके बाद फिर एक लेडी वापस आई तो मुझे कहती है कि इफ यू डोंट माइंड वी वर थिंकिंग दैट वी हैव मेट यू समवेयर। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा, कहती है आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने कहा यू मस्ट सीन मी ऑन द टीवी, ओह यस। तो कहती है कि हाँ जी जी मुझे याद आ गया। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इस समय ब्रॉडवे पर जा रहा था तो एक श्रीलंकन दोस्त था वो मिल गया, तो उस मेरे पास आया और मुझे कहने लगा सर आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे। तो मैंने इसको कहा डू यू नो दैट आई एम अ पास्टर, कहता आई हैव सीन यू ऑन द टीवी, तो काइंडली प्रे फॉर मी। तो वैसे भी उनका शुक्र है कि मैंने ये क्रॉस जो है ये पहनी होती है, तो मैंने उसके लिए प्रेयर की ब्रॉडवे पे साउथ हॉल में। तो अजीजो यू नेवर नो कि खुदावन किस को कब और कहाँ बरकत दे दे, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसको एक जिम्मेदारी समझें और इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जब आप YouTube पे जाते हैं तो वहां पर उसको सब्सक्राइब करें और जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी। तो मैं नए दोस्तों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, वो जो कि इस वक्त ईस्ट लंदन से हमारे साथ हैं, एल्डर हिल क्रिस्टोफर साहब, और हमारे जो चर्च के जो लोग हैं सब, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। खासतौर पर अपने म्यूजिशियंस के लिए, अपने चर्च के बहन भाइयों के लिए जो कि हर रोज हमारे साथ होते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, बरकत पाते हैं। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत करते हैं। मैंने इसलिए इकट्ठे जो दो गीत चला दिए ताकि उसका जो फ्लो था स्पिरिट का वो रहे और हमने बरकत पाई। तो अभी हम खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। यकीनन आप भी खुश होंगे क्योंकि आपने मत्ती की जो अंजील थी, मुकदस मत्ती की मार्फत जो अंजील लिखी गई, उसमें जो आपने पैराबल्स थी उनको आपने स्टडी किया मेरे साथ मिलकर। तो आज हम मरकज की अंजील में पहुंच गए हैं कि जी मरकज की अंजील में जो तमासील हैं उन पर हम गौर करेंगे, और ये 10वां प्रोग्राम है इस सिलसिले का, तमासील के सिलसिले में जो हमने देखा। तो आप देखेंगे
तकरीबन 10 तमासील जो हैं उनको हम स्टडी कर चुके हैं। तो वो जिन्होंने नहीं देखा, उन्होंने मिस किया, तो आप जरूर यूट्यूब पर भी जाएं और उन तमाम हिस्सों को आप देखें और बरकत पाएं। तो आज हम एक छोटी सी जो तमसील लेकिन बड़ी पावरफुल है उस पर हम गौर करेंगे। मार्क चैप्टर 4 वर्स 26-29, मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 4 बाब 26-29 आयत तक, सफा नंबर 38 पर है उर्दू की बाइबल में। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 4 बाब 26-29 आयत तक। खुदा उनका खूबसूरत पाकलाम सुनिए। यूं मरकूम है, और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी ही है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने, फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिल फॉर द्रांति लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। खुदावन के खूबसूरत पाकलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। हमने दोस्तों को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। जस्टिन शहजाद खान हमारे साथ हैं, तो आप जरूर अपना तारफ करवाइएगा क्योंकि कुछ लोगों को हम नहीं जानते, तो अच्छा होता है जो दूसरे दोस्त हैं वो भी आपसे वाकिफ हों। तो अगर आप अपने बारे में टेक्स्ट कर दें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। जैसे मैंने एल्डर हिल साहब के बारे में बताया, ही इज फ्रॉम द वॉल्सन स्टो एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, और खुदा ने बरकत दी उस चर्च को, हमने प्लांट किया और ये दूसरा चर्च है यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च जो कि आप देखते हैं कि वेस्ट लंडन में, खुदा का शुक्र है कि इट्स द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन, एशियन कॉन्ग्रीगेशन इन वेस्ट लंडन, और वी आर पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम चर्च। तो हम इन दोस्तों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो अगर जस्टिन आप हमें अपने बारे में जरा थोड़ा सा बता दें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो तेरे जिंदा कलाम के लिए और इन सारे अजीजों के लिए जो कि खुदा इस प्रोग्राम का हिस्सा है। खुदा जो दूरों नजदीक इस प्रोग्राम को देखते हैं, दूसरे ममालिक में है, खुदा हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनके घरों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा इस कलाम को हम पर मुनकशिफ कर, अपने पापों से मामूल कर, बड़ी बरकत दे, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। ये जो तमसील जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसमें बहुत गहरा भेद है। खुदा की बादशाही के बारे में खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया। खुदा की बादशाही क्या है? खुदा की हुकूमत, खुदा का इख्तियार, जहां पर खुदा की मर्जी पूरी होगी। खुदा का जो मकसद है, द गोल ऑफ हिज मिनिस्ट्री, हिज इनकार्नेशन, हिज क्रूसिफिक्शन, हिज रेजरेक्शन, द मेन गोल of all these events was to set up the kingdom of God. Khuda apni badshahi ko qaim karna chahta hai. Ye khuda ka maqsad hai for the whole world. This is the purpose and the goal of our creator to set up his kingdom. Jab khudawan ne apne shagirdon ko dua karna sikhaya, us dua mein ek ayat hai, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। इसका मतलब यह है कि अभी तक खुदा की जो मर्जी है पूरे तौर पर वो इस जमीन पर पूरी नहीं हो रही, इस कायनात में पूरी नहीं हो रही, और जब खुदा की बादशाही आएगी तो वहां पर खुदावंद की मर्जी पूरी होगी। इस तमसील में जो पहली बात हम देखते हैं वो ये है कि खुदा की बादशाही की जब हम बात करते हैं तो खुदा ने इस बादशाही को कायम करना है,
उसका जो बादशाह है वो खुद खुदावंद होगा। जबूर 24 बहुत खूबसूरत जबूर है, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो लश्करों का खुदावंद है, खुदावंद खुद बादशाह होगा। इस तमसील में हम इस बात को भी देखते हैं, इंसान जो है बेसिकली द हेल्पनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है उसको ये सीखने की जरूरत है कि वो इस बादशाही को कायम नहीं कर सकते। बीज कैसे उगता है, बादशाही कैसे कायम होती है। अब जैसे कि हम हमेशा इस बात को देखते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी या जो मेटाफर जो इस्तेमाल हुए हैं उन पर हम गौर करते हैं। मैंने खुदा की बादशाही के बारे में आपको बताया, हम इस पे मजीद भी बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है खुदा की बादशाही। दुनिया में डिफरेंट जो सिस्टम और गवर्नमेंट है जिनमें आप देखते हैं कि सिदारती निजाम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और गवर्नमेंट है, और अमेरिका में आप इस निजाम को देखते हैं और दीगर ममालिक में आप इसको देखते हैं। इसी तरह जो बादशाही निजाम है इसको आप सऊदी अरेबिया में देख सकते हैं, वहां पर किंगडम है, आप यूके में देख सकते हैं, यहाँ पर ये निजाम है, इज अ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बादशाही निजाम को भी आप देख सकते हैं, क्वीन जो है वो इस कंट्री में आप उसके रूल को देख सकते हैं। एक है जिसको पार्लिमानी निजाम कहा जाता है या पार्लियामेंटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके पास पावर होती है, एंड यू कैन सी दिस सिस्टम इन पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक में, जहां पर वजीर आजम जो है वो इंचार्ज होते हैं, अल्टीमेटली ही गॉट द पावर, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो पार्लियामेंट के साथ मिलकर तो डिसीजन लेते हैं। एक है जिसको बादशाही निजाम जिसको मैं कहता हूं। तो जो बिब्लिकल जो सिस्टम और गवर्नमेंट है, इट्स नॉट पार्लियामेंटेरियन, इट्स नॉट अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसमें वजीर आजम का तसव्वुर नहीं है, इसमें सदर का तसव्वुर नहीं है, दिस अ थियोक्रेसी, खुदा की हाकमियत की बात है, इंसान की हाकमियत की बात नहीं है। इंसान बुनियादी तौर पर बेयारो मददगार है, इंसान को खुदा पर भरोसा करना पड़ता है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। दिस अ सीक्रेट एंड द मिस्ट्री ऑफ दिस किंगडम ऑफ गॉड, हम खालिक नहीं है, हम मखलूक हैं, हम इस भेद को समझें। वट एवर इज एग्जिस्टिंग वी कैन ओनली एक्सप्लोर एंड वी कैन डिस्कवर दैट, वी कैन डिवेलप दैट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वी कैन प्रमोट दैट बिकॉज वी आर नॉट अ क्रिएटर। आप जो दरख्त देख रहे हैं आप इसको नहीं उगा सकते, ये कैसे उगता है, आप बीज से डाल सकते हैं, आप इससे फर्नीचर बना सकते हैं और भी कुछ जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं, बट आप इस दरख्त के खालिक नहीं हैं। यू कैन ओनली डिवेलप, आप इसको इसमें से कुछ निकाल कर आप बना सकते हैं। मादनियात जो है, जो जखायर हैं पहाड़ों के अंदर, हीरे जवाहरात बाकी मादनियात, यू कैन ओनली फाइंड आउट दीज थिंग्स, आप इनको सिर्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इनको निकाल सकते हैं, बट यू कैन नॉट इन्वेंट ऑल दीज थिंग्स, वी आर नॉट इन्वेंटर, वी आर एक्सप्लोरर। हम दरियाफ्त कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। खुदावन जो है वो खालिक और मालिक है, सो वी कैन नॉट क्रिएट द किंगडम ऑफ गॉड, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन हेल्प गॉड टू एक्सपेंड दैट किंगडम,
वी कैन टेल पीपल अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, हम लोगों को खुदा की बादशाही के बारे में बता सकते हैं, बट वी कैन नॉट सेट अप द किंगडम ऑफ गॉड, हम उसको कायम नहीं कर सकते, खुदा खुद बादशाहत को कायम करता है। इसलिए कहते हैं कि उसने कहा खुदा की बादशाही ऐसे जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे और वो बीज इस तरह उगे और बड़े क्यों ना जाने। So we don't know how the seed, how the kingdom of God is planted, और कैसे वो जमीन के अंदर वो बीज जो है वो बढ़ता है, तरक्की करता है, हम उसको नहीं जान सकते। इज अ मिस्ट्री। वो बीज जब आप फेंक देते हैं तो कैसे बढ़ता है। सेकेंड थिंग इज वी कैन नॉट सी हाउ द सीड ग्रो, हम उसको नहीं जान सकते विद आवर लिमिटेड माइंड। ईमान से आप इस बादशाही को कबूल कर सकते हैं। आई वुड नीड टू बी अश्योर अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, हमें यकीन होना चाहिए। जैसे आप बीज जो है आप डालते हैं, किसान जो है बीज डालता है, उसको ये पता होता है उसको कि ये बीज जो है ये उगेगा। हमने बीज बोने वाले की तमसील देखी कि बीज जो है फेंकता है किसान, उसका काम है सिर्फ वो प्लांट करे उसको, वो कैसे उगता है, कैसे बढ़ता है, वी डोंट नो। अदर थिंग इज द पावर ऑफ दैट सीड एंड द पावर ऑफ ग्रोथ, नथिंग कैन स्टॉप दैट ग्रोथ। जब आपने बीज डाल दिया है, द सीड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, और ये भी याद रखें बीज के लिहाज से मैं दो बातें, एक तो बीज जो है वो खुद उसमें से जो भी आप फल ले लें, जो भी आप प्लांट लेते हैं, तो यू कैन नॉट क्रिएट दैट सीड, आप उस बीज को क्रिएट नहीं कर सकते। दैट सीड बिलोंग टू गॉड। और पोटेंशियल क्या है उस सीड में, उस सीड के अंदर ये तासीर है, पोटेंशियल है। अगर आप उसको जखीरा कर लेते हैं, आप उसको स्टोर कर लेते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो किसी शख्स ने एक सीड जो है वो उसने डिस्कवर किया, और जब उन्होंने उस पर रिसर्च की, दैट सीड वाज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, बीज जो था बहुत पुराना था। दैट बीज, दैट सीड वाज इन द कंटेनर, उसको कंटेन किया गया था, उसको प्रिजर्व किया गया था, उसको संभाला गया था, और जब उस बीज को बोया गया तो वो फलदार हुआ। सो देयर इज अ पोटेंशियल इन दैट सीड, उसमें कुवत है, ताकत है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, वी शुड रिमेंबर दैट द रेबेलियस एटीट्यूड ऑफ मैन एंड द वुमन, द डिसोबीडियंस ऑफ द मैन, nobody can stop the kingdom of god, this is the potential in that seed. insaan ki nafarmani, insaan ka baghiyana ravaiya, koi bhi cheez khuda ki badshahi ko rok nahi sakti. Go back to the history of persia, the greek and the romans, all these people, they are vanished, unki badshahat khatam ho gayi. आज छोटी छोटी हुकूमतों में वो बटे हुए हैं, बट द किंगडम ऑफ गॉड इज अश्योर, नोबडी कैन स्टॉप द किंगडम ऑफ गॉड। एक चीज जो मुझे बड़ी दुख देती है, तकलीफ देती है, इट इज वेरी डिस्कस्टिंग फॉर मी व्हेन पीपल टॉक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द चर्च। जब लोग कहते हैं कि जी चर्च खत्म हो रहा है, चर्च इज आउटडेटेड चर्च, नाउ I don't believe on that. Kalisiya ka sar Yesu hai. This is the kingdom of God. Jesus started his ministry with this proclamation. Repent, the kingdom of God is near. The kingdom of God is certain, yakini hai.
खुदावन की बादशाहत को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े वॉरियर आए, जूलियस सीजर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, आज उनके नाम नहीं है। रहेगा नाम सदा तीकर मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। अजीजो, वो अजली और अबदी बादशाह है, उसकी बादशाहत अजली और अबदी है। He will come back. He will set up his kingdom on this earth. Time is very important. We are having the eschatological hope when he will come back and he will set up his kingdom. Harvest is sure. मरकस का अंजील बयान उसकी 28 आयत। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती फिर बाले, फिर बालों में तैयार दाने। खुदा की बादशाहत एक प्रोसेस है, इट्स नॉट इंस्टेंट। द किंगडम ऑफ गॉड इज ऑर्गेनिक, नॉट मैकेनिकल। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं इसको। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? जो जमीन में से उगती है, इट इज अ मिस्ट्री, इट्स फ्रॉम इनसाइड एंड गोइंग आउटसाइड। ये बातन में काम करती है, जमीन के अंदर बीज काम करता है, इट इज नॉट विजिबल। मिस्ट्री है, भेद है, कैसे ये बादशाहत दुनिया में फैल रही है। Some people they are just thinking about England के चरी यहाँ पर चर्चे जो है बंद हो रही। मैंने पहले भी आपको बताया था, उसके बहुत सारे रीजन है मेरे भाइयों। अगर चर्चेज बंद हो रहे हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहत है। Because people they are migrating from here to Australia, from America, Canada, जो एक आप कह लें कि ट्रांजेक्शन जो है कि people are migrating from India, from Pakistan, from Africa, but they are setting दो जो जो global जो एक picture है वो चेंज हो रही है ना। वी आर लिविंग इन ए मल्टी रेशियल मल्टी कल्चर सोसाइटी, जहां पर आप देखें कभी एशियन चर्चेस डेवलप हो रहे हैं, अफ्रीकन चर्चेस डेवलप हो रहे हैं। सो दे आर रिप्लेसिंग, एक सर्कल है, बट द चर्च इज स्टिल देयर। अफ्रीका में जिस तेजी के साथ मसीह फैल रही है, चाइना में, कोरिया में, इंडिया में, दीगर ममालिक में, so the kingdom of God is certain, is expanding, is not static. इस बीज राई के दाने के बीज की तरह जो एक तनावर दरख्त बन गया, इसे परिंदों ने बसेरा किया। हमने इस तमसील को सीखा था। सो खुदा की बादशाही जो है वो फैल रही है, बढ़ रही है, और वो लोग खासकर जो एवेंजेलिकल रिलीजन है ना, इस्लाम भी वेंजेलिकल है, क्रिश्चियनिटी भी वेंजेलिकल है, दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट पीपल। उनके अपने जो तरीकाकार है, उनकी जो तनाजीम है जो काम कर रही है, इसी तरह जो हम देखते हैं कि जो मसीहत है ये भी वेंजेलिकल रिलीजन है, और हम एवेंजलाइज करते हैं लोगों को और लोगों को खुदा के बारे में बताते हैं। तो चर्च जो है वो ग्रो कर रहा है। वो लोग जो कि ऐसे इंप्रेशन देते हैं कि चर्च खत्म हो रहा है, इट्स आउटडेटेड चर्च, इट्स अ रॉन्ग अप्रोच, दे मिसअंडरस्टूड द पावर ऑफ दैट सीड, उस बीज की कुवत को नहीं जानते। सो देयर इज अ प्रोसेस। देखिए मैं इस बारे में, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन। खुदावन ने हमें रास्तबाज ठहराया, वी आर जस्टिफाइड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन ने अपना काम किया, नाउ वी आर इन ए प्रोसेस, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है उसमें से भी हम गुजरे हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये जो जैसे होता है ना एक मैराथन जो होती है, स्लोली वो भागते हैं, है ना। एक होती है जिसको हम कहते हैं कि स्प्रिंट जो होती है, स्प्रिंट रेस क्या होती है, वो तेजी के साथ भागते हैं। चलिए आपने 100 मीटर करना है, आपने एक मील जो है वो आपने दौड़ना है, तो वो तेजी के साथ। किंगडम ऑफ गॉड इज मैराथन। ये
आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है. इट्स अ प्रोसेस. ग्लोरिफिकेशन, हाँ, जलाल में जब हम दाखिल होंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. जब हम उस दौड़ में से दौड़ते, पौलुस कहता है कि मैं उस दौड़ में से दौड़ रहा हूं, उस मुरझाए हुए सेरे के लिए नहीं बल्कि उस ताज के लिए. कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने दौड़ को मुकम्मल कर लिया. सो वी आर इन ए मैराथन, हम उसमें दौड़ रहे हैं. कोई आगे है, कोई पीछे है. तो ये खुदा की बादशाही जो है उसमें हम देखते हैं कि पहले पत्ती, फिर बाले, फिर बालों में तैयार दाने. एक छोटे से ग्रोह के साथ खुदा ने शुरू किया, 12, फिर 70, फिर 120, फिर 3000. नाउ इट्स ग्रोइंग एवरी डे. पीपल आर एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट एज ए पर्सनल सेवियर. व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? फसल तैयार है, मजदूर थोड़े हैं. Harvest is great, but the laborers are few. It's a time to collect that harvest. अब फसल जमा करने का वक्त है. जैसे मैंने शुरू में बताया कि फार्मर का जो काम है वो ये बात जानना नहीं है कि उसमें कितना बीज है, जमीन में कितना बीज डाला था, कैसे उग रहा है कि नहीं देख, वो जाके कोई ऐसी मशीन लगा के नहीं देख सकता कि जमीन के अंदर ये कैसे उग रहा है. उसका काम है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, फसल को इकट्ठा करे, कैसे फसल हो रही है, कैसे बीज उग रहा है, ये उसका काम नहीं है कि उसको जाने. अच्छी फसल जमा करने का वक्त है. इज अ टाइम, अभी जो बीड्स हैं, जो झाड़ियां हैं, कांटे हैं, वो भी साथ उग रहे हैं, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि उस अच्छी फसल के साथ वो झाड़ियां भी जो हैं उसको जब काटा जाए तो अच्छी फसल बर्बाद हो जाए. लेट देम ग्रो टुगेदर. खुदा कहता है उगने दो दोनों को कटे. लेकिन वक्त आएगा कि जब वो अच्छी फसल को जो है वो अलग कर लेगा और जो झाड़ियां हैं, जो ऊंट कटारे हैं, उनको आग में डालेगा. हमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज गोइंग अराउंड अस, पीपल आर ग्रोइंग टुगेदर. शरीर और बदकार बढ़ रहे हैं रास्तबाजों के साथ. द टाइम विल कम व्हेन ही विल कलेक्ट द गुड हार्वेस्ट. हमारी जिम्मेदारी क्या है? गेट रेडी फॉर द हार्वेस्ट. हमें सब्र करना है, उम्मीद रखनी है, मायूस नहीं होना. वी आर लिविंग इन एटमोस्फियर ऑफ डिस्पेयर, होपलेसनेस, जहां पर लोग नाउमीद हो चुके हैं, परेशान हैं. But the ultimate purpose of God is तैयारी करो, करो तैयारी यीशु के संग जाने की. बादलों पे यीशु राजा आता है. हमें तैयारी करनी है, खुदा का शुक्र करना है, इकट्ठा करने का वक्त है ना. एक्शन रिक्वायर्ड. इकट्ठा करें उस फसल को. जैसे हम जानते हैं कि खुदावन ने अपने शागिर्दों को चुना, उनको मुकर्र किया कि तुम जाकर लोगों को खुशखबरी दो. ये बात याद रखें, द क्रिश्चियन लाइफ इज पर्सनल नॉट प्राइवेट. क्रिश्चियन लाइफ इज पर्सनल नॉट प्राइवेट. इसका क्या मतलब है? आपकी अपनी जिंदगी है, आपका अपना शख्सी ताल्लुक है, लेकिन आप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू नीड टू रिफ्लेक्ट दैट लाइट. यू नीड टू गो आउट. ये ऑर्गेनिक है, इट्स नॉट अ मैकेनिकल. इंसान के अंदर जो भरा है, यू आर द कंटेनर. एंड व्हाट इज कंटेन इनसाइड ऑफ यू, दैट द पावर ऑफ द गॉड. And you need to tell people about that power. आपको लोगों को बताना है. You need to proclaim the good news. तुम्हारी रोशनी आदमियों के दरमियान चमके. कोई भी चिराग को जलाकर पैमाने पे उसके नीचे नहीं रखता, बल्कि चिरागदान पर रखता है. This is your responsibility to tell people about the kingdom of God. खुदावन्द यीशु मसीह को बरमला सलीब पर, पहाड़ी पर, उसको हाईवे पर, उसको मसलूब किया गया ताकि लोग उसको देखें,
कलकत्ता की चोटी, कोहे कलवरी पर उसने अपनी जान दी, कुछ छुप कर नहीं जान दी। इट वॉज नॉट हिडन। बर्मला सबके सामने उसको मसलूब किया गया। खुदा ने कहा जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी बाप के सामने उसका इनकार करूंगा, और जो आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी बाप के सामने उसका इकरार करूंगा। यू नीड टू टेल पीपल, आपको लोगों को बताना है, फसल को जमा करें, दैट इज ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जब अनाज पक चुका तो फिल्प और दराती लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। ये हमारी जिम्मेदारी है। वो कैसे सीड को बढ़ाता है, उसका काम है। देखिए बड़ा खूबसूरत वो पंजाबी का जो आप देखते हैं इशार है कि माली का कम पानी पाणा पर मशका पावे, माली का कम पानी पाणा पर मशका पावे, मालक का कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। आपका काम सिर्फ उस फसल की निगहदाश्त करना है। आपने आप देखते हैं किसान जब उसको आबियारी करता है, जब वो उसमें हल चलाता है, उसका काम सिर्फ ये है, बीज बोता है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मुकम्मल करता है, फिर वो सब्र के साथ बैठ जाता है। याकूब के खत में देखते हैं किसान जो है वो बीज बोता है और फिर फसल के तैयार होने पकने तक उसका इंतजार करता है पिछले मही का, फिर वो बारिश का इंतजार करता है, फिर जब फसल पकती है उसको इकट्ठा करता है, खुश होता है। अजीजो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। वी डोंट नीड टू आर्ग्यू विद गॉड। वो बीज अभी तक उगा क्यों नहीं है, है ना? वो बीज का क्या हुआ जो मैंने बोया था? हमारी जो जिम्मेदारी है एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, हम जो खुदा के खादम है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे लोग जो है वो नाराज भी हो जाते हैं कि बड़ा सख्त कलाम था जी, भाई आप चर्च आए हैं कलाम सुनने के लिए आए, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप खुदा के घर में आए कलाम सुने, पास्टर की जिम्मेदारी क्या है? वो कलाम सुनाए। अब वो कलाम कैसे काम करता है आपके अंदर, वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, दैट्स अ मिस्ट्री। कलाम बेता से नहीं लौटता, फसल आपको इकट्ठा करना ये हमारी जिम्मेदारी, उसको जखीरा करना, उसको कंटेन करना, उसको जमा करके उसको गोदाम में रखना, उसको संभालना। एंड एंड ऑफ द डे यू विल बी आंसरेबल फॉर दैट बिकॉज यू आर द स्टूअर्ड, आप मुख्तार हैं। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, अलग से सब्जेक्ट शुरू हो गया, चले अब आया तो मैं उस कलाम को मैं रोक नहीं सकता। खुदा ने आदम को बनाया और उसको स्टूअर्ड बनाया, खुदा ने तमाम कायनात को बनाया और सबका अच्छा है, और जब आदम को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। उसको जिम्मेदारी दी कि तू ये जानवरों के नाम रख, यू आर द गार्डियन, यू आर द स्टूअर्ड, आप इसके इंचार्ज हो। लेकिन जब उसे नाफरमानी की तो खुदावन ने उसको वहां से निकाल दिया, और उस बाग के चौगिर्द खुदा ने 16,000 तलवारों का पहरा लगा दिया। समटाइम इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग योर ड्यूटी, यू फेल टू ओबे गॉड, गॉड इज नॉट गिविंग यू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपको वो चीजें नहीं देना चाहता, वो उनके गिर्द 16,000 तलवारें लगा देता है। आप क्यों वो तमाम चीजें हासिल नहीं कर सकते, वो बरकत हासिल नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं? शायद आप खुदावन की ताबे फरमानी नहीं करते, जो खुदावन चाहता है वो आप नहीं करते, तो खुदावन वो बाढ़ लगा देता है। तो नहीं, अगर आपको 1,000 मिल रहा है उसको आप मेंटेन नहीं करते, शराब में उड़ा देते हैं, नशे में उड़ा देते हैं, अपनी यश में उड़ा देते हैं, हाउ गॉड विल गिव यू 1 million? आप कहते हैं मैं मिलियनर होना चाहता हूं, मिलियनर क्यों करे आपको जब आप 1,000 को आप नहीं संभाल रहे? जो मैं शादी करना चाहता हूं शादी नहीं होती,
खुदावन किसी को महफूज कर रहा है, वो क्यों? आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप अपने बदन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, अपने बदन की बर्बादी किए जा रहे हैं, नशा किए जा रहे हैं, उल्टे काम किए जा रहे हैं। खुदा दूसरे के बदन को क्यों बर्बाद करे भाई? जो गाड़ी आपके पास उसको आप संभालते नहीं है और आप कहीं मुझे और मिल जाए, जो जिम्मेदारी खुदावन ने आपको दी है उसको आप पूरा नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं मुझे और जिम्मेदारी मिल जाए। मैंने वो आपको तोड़ों की मिसाल उसमें दी थी, जिसने वो तोड़ा छुपा दिया, अगर आप उसको छुपा के रखा हुआ है और वो जो इसको इस्तेमाल करने से पांच और बनाए, जिसने दो से और दो बनाए, खुदावन उसको और दे दिए, खुदावन आपको देता है बरकत, देता है बरकत पे बरकत देता है। लेकिन जो खुदा ने दी उसको तो पहले संभाले, जो खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी उसको आप पूरा नहीं कर रहे, जो कलीसिया आपको दी हुई है उसको आप संभाल नहीं रहे, जो खानदान आपको दिया उसको आप संभाल नहीं रहे, जो जिस्म आपको दिया है उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसका सत्यानाश करे जा रहे हैं। फिर आप कहते हैं नहीं खुदावन बरकत नहीं देता। भाई वो देता है बरकत, लेकिन जो ऑलरेडी दी है उसको तो संभाले। फसल को संभालना ये आपका काम है, उसने फलदार कर दिया आपको, अब उसको संभालना आपका काम है। यू आर आंसरेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। आप जवाबदेह हैं इन बातों के लिए। जो भी कारोबार खुदा ने आपको दिया है, जो भी घराना खुदा ने आपको दिया है, जो भी खुदा ने नेमते और बरकतें आपको दी है, दैट इज योर हार्वेस्ट। ये खुदा की तरफ से एक बरकत है, मेंटेन दैट, उसको संभालें, खुदा का शुक्र करें। दिस इज मिस्ट्री, और खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को सर्व करें। खुदा की बादशाही यकीनी है, वो आएगी, वो बादशाह करेगा, हम उसके साथ होंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन इन द किंगडम ऑफ गॉड, कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। आइए खुदा उनके सुन चुके हैं, खुदा उनसे दरख्वास्त करें कि वो हमें ये तौफीक दे कि जो जिम्मेदारी खुदा ने हमें दी है उसको हम ऐसे तरीके से पूरा करें। जो कुछ खुदा ने दिया है उसमें से खुदा उनकी बादशाहत के लिए दें। बात खत्म, सोचते रहते नहीं जी मेरे तो अपने बिल पूरे नहीं होते, मेरी मॉर्गेज है जी, मेरी इंस्टॉलमेंट जानी है जी, मेरा ये है जी, मेरा वो है। हम खुदावन को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत दफा हम अपने जो प्रोग्राम होते हैं उन पर हम बेतहाशा खर्च करते हैं, शादी ब्याह हो, सालगिरह हो, कुछ हो, लेविशली, और लोग क्या कहें जी खाना कैसा है जी, वेन्यू कैसा है जी। लेकिन जहां पर खुदावन की बात आती है, खुदावन की बादशाहत की बात आती है, खुदा उनके घर की बात आती है, हम फिक्रमंद हो जाते हैं, खुदा उनको क्या दें, हमारे पास तो है कुछ नहीं। खुदा उनको सब पता है आपके पास क्या है या क्या नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, खुदा उनकी बादशाहत के लिए आप काम नहीं कर रहे, खुदा उन यकीनन आपसे इस बात के लिए पूछेगा। यू आर अकाउंटेबल, यू आर आंसरेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर डीड्स। आइए दुआ मांगे। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तेरी बादशाहत यकीनी है। तू अजली और अबदी बादशाह है, तू बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, प्यार खुदावंद हम इस सारे भेद के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने किस तरीके से अपनी बादशाहत को कायम किया। अरे प्यार खुदावन, तू बहुत जल्द आने वाला है, हमें तैयारी की जरूरत है, और जो जिम्मेदारियां तूने हमें दी हैं उनको अच्छे तरीके से पूरा करने का फजल दे। प्यार खुदावन, मैं तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन दुआ करते हैं कि तू हमें एहसास से जिम्मेदारी अता फरमा और उन तमाम जिम्मेदारियों को हम तेरी मर्जी के मुताबिक पूरा करें। जो जो नियमतें बरकतें तूने हमें दी हुई हैं उनको हम तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करें। प्यारे खुदावंद, तू बीमारों के साथ हो, उन्हें कुव्वत ताकत दे, हमारी गलतियों को, कोताहियों को, गुनाहों को माफ फरमा, अपने पाक से मामूर कर। आज का तमाम दिन खुदावंद हम अपने आप को
तेरे हाथों में देते हैं, अपने चर्च के लिए, कलीसिया के एक एक खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं प्यारे खुदा, अपने घरानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। तो हमारी कमजोरियों का चारा कर और हमें अपने पाखरू से मामूर कर ताकि तेरे पाखरू की रहनमाई में जिंदगी बसर करें। हम सबके साथ हो, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और कल आप जानते हैं कि सैटरडे है और हम प्रेयर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे कल, लेकिन हम जो है दोपहर में लाइव ब्रॉडकास्ट जो है उसको आपके लिए लेकर आएंगे। लुटन से इबादत जो 2 बजे होगी उसको हम लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो आप जरूर उस बात का हिस्सा बनिए। इसी तरह संडे को सुबह 10:30 बजे लाइव ब्रॉडकास्ट होगी और उसके बाद 2 बजे हम लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो जरूर आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, खुश रहें और खुश रखें। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।